फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरला कर्ली एकेडमी। माय नेम इज भगवती बिरला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से कुछ रिलेटेड कुछ उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अपन उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज उसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है। कि जब एग्जाम में हमें कोई सी भी डेट दीजिए कि 2 जनवरी 1996 कुछ भी ऐसा दीजिए और पूछा जाए कि उस दिन कौन सा दिन था, तो हमें पता नहीं देता कि उस दिन कौन सा दिन था, तो हम उसे निकालेंगे। इसके लिए हमें कुछ पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले देखते हैं हम कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन। उसके बाद इसके लिए हमें पूरी सप्ताह महीने कौन सा दिन होता है, लीप ईयर, ये हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में टोटल दिन कितने होते हैं। एक साल में कितने दिन कितने होते हैं हमारे, 365 दिन। लेकिन चार साल में हमारा 366 दिन, 366 दिन आते हैं। तो जो हमारा 365 दिन होते हैं, एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर। यानी कि किसी मंथ में, जैसे कि एक साल है उसमें महीने में कोई सा महीना 30 का होता है, कोई सा महीना 31 का होता है, और जो हमारा फरवरी होता है, फरवरी हमारा 28 और 29 का होता है। इसीलिए हमारा 4 साल में 366 दिन आते हैं जो कि हमारा लीप ईयर होता है। 366 दिन आते जो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लीप ईयर होता है। तब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप ईयर लीप वर्ष क्या होता है। हमारा साधारण वर्ष होता है जो कि 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष क्या होता है हमारा, 365 दिन। और जब 4 साल में 366 दिन आते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर। वहां में लीप वर्ष होता है, उसमें टोटल साल भर में कितने दिन आते हैं, 366 दिन आते हैं, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। 365 दिन होता है जो हमारा साधारण वर्ष होता है और 366 दिन ये हमारा एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि 4 साल में कभी हमारा फरवरी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, इसीलिए 4 साल में वो काउंट होके 366 दिन आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष यानी 365 में साल भर में हमारे वीक कितने आते और लीप ईयर में हमारे वर्ष कितने वीक आते, तो हमारे टोटल दिन क्या होते हैं साल भर में, 365 दिन आते। तो हमें वीक पता करना है, तो एक सप्ताह में कितने दिन आते हैं, 7 दिन, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 52 वीक आएगा, 52 वीक आएगा। और एक हमारा आएगा रिमाइंडर बचेगा, एक हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर। ये हमारा कौन सा दिन है, ये हमारा है साधारण वर्ष। हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 52 वीक होते हैं और एक हमारा रिमाइंडर बचता है। इसी टाइप से हम कभी देखेंगे लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने वीक होते हैं और रिमाइंडर कितना बचता है। तो हमारा 52 वीक होते हैं इसमें भी और हमारे 2 रिमाइंडर बचता है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 वीक और 1 रिमाइंडर होता है। इसी में लीप वर्ष होता है जो उसमें की
366 दिन होता है, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 52 वीक निकलते हैं और 2 रिमाइंडर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोड आता है, जो कि मंथ कोड याद करना पड़ेगा और संडे यानी कि वीक कोड याद करना, तभी हमें हमारा फार्मूला होता है जो कि होता है फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट टू एंड थ्री डिजिट, मैं इधर राइट करती हूँ, हमारा लीप सेंचुरियन में क्या रहता है, हमें दिया जाता है, जिसे दिया जाए हमें 2000, हमें दे दिया 2000, 1900, 1800 और 1600। तो इसमें हम लीप सेंचुरी ईयर कैसे पहचानेंगे कि हमारा इसमें से कौन सा ईयर लीप सेंचुरी ईयर है और कौन सा साधारण ईयर है। लीप सेंचुरी ईयर यानी कि साल, तो इसमें क्या होता है कि जब भी जिस ईयर में 400 से भाग देंगे और वो चला जाता है तो हमारा लीप सेंचुरी ईयर होता है, और जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है यानी उसमें बचता है वो हमारा क्या होता है, साधारण ईयर। तो इसमें 2000 में जब हम 400 से यानी 400 से हम जब क्या करेंगे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 1900 में देंगे तो 1900 में नहीं जाएगा, और 1800 में देंगे तो 1800 में नहीं जाएगा, 1600 में चला जाएगा। तो जो हमारा 2000 और 1600 ये हमारा कौन सा है, लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर है। और जो 1900 और 1800 हमारा है कौन सा, हमारा ये साधारण वर्ष, हमारा साधारण वर्ष। जब क्वेश्चन में हमें दिया, क्वेश्चन में यदि जनवरी एंड फरवरी, जनवरी एंड फरवरी का मंथ दिया जाए तो जब हमारा जो रिमाइंडर आता है जो हमारे क्वेश्चन में बचता है उसमें से 1 हमें माइनस करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे उसमें से 1 माइनस करना। यदि कोई सी भी डेट दीजिए हमें कि 1 जनवरी, तो वो हमारा कौन सा होता है, लीप ईयर मान लो, तो उसमें से हमें 1 माइनस करना है। अब हम देखें कुछ फार्मूले और फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है हमारा लास्ट टू एंड थ्री डिजिट प्लस ईयर अपॉन क्या आएगा 4 प्लस मंथ कोड प्लस हमारी आएगी डेट अपॉन में क्या आएगा हमारा 7। तो हमें कोई भी डेट दी जाए यानी फर्स्ट देखे कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन आएगा, हमने लिखा ये कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन है, यह हमें पता करना है। हमारा क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन है, तो इसे फॉर्मूले में हम पहले से फाइंड करेंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट यानी थ्री डिजिट, कि हमें टू डिजिट कौन से लिखना है या थ्री डिजिट क्या होता है। तो जब क्वेश्चन में 2000 से ऊपर का जो ईयर दिया जाए यानी 2000 से 2012 दिया जाए तो उसमें हमें क्या करना है, लास्ट के थ्री डिजिट लिखना है। जब भी 2000 से ऊपर का ईयर दिया जाए उसमें हमें लास्ट के थ्री डिजिट लिखना है, और जब 2000 से नीचे यानी हमें दे दिया 1996 तो हमें लास्ट के टू डिजिट लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 96 लिखेंगे लास्ट के थ्री डिजिट, क्योंकि 2000 से कम है। जब हमें 2000 से ज्यादा यानी 2000 दिया जाए तो उसमें हमें लिखना है थ्री डिजिट। 2000 दे दिया था हम इसमें लिखेंगे थ्री डिजिट यानी लिखेंगे 100, और हम 12 दे दिया जाए 2012 दे दिया तो इसमें हम क्या लिखेंगे 112 करके यहाँ पे से फाइंड करेंगे।
हमें दे दिया ईयर, तो हम ईयर क्या लिखेंगे कि जब भी हमें हमने ये निकाल लिया कि लास्ट ईयर की थ्री डिजिट, इसमें जब हम फोर से डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। इसी टाइप से इसमें भी टू डिजिट है, टू डिजिट में फोर से डिवाइड करेंगे और जो आएगा हमारा वो यहाँ पे हमें लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे मंथ कोड, तो मंथ कोड में क्या राइट करेंगे कि ये हमारा मंथ कोड है, तो हम देखते हैं कि किस टाइप से याद करें। 0 33 635 600 क्या है, 0 33 614 625 035। और जब लास्ट हमारा रिमाइंडर बचेगा तो वो जो जो आएगा उसे हम पता करेंगे कौन सा दिन है। उसके लिए हमारे ये वीक कोड है, यानी क्या है, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ये हमारे मंथ कोड है, हमारा होता है वीक कोड। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरला करियर एकेडमी, माय नेम इज भगवती बिरला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अपन उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज उसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है कि जब एग्जाम में हमें कोई सी भी डेट दीजिए कि 2 जनवरी 1996 कुछ भी ऐसा दीजिए और पूछा जाए कि उस दिन कौन सा दिन था, तो हमें पता नहीं देता कि उस दिन कौन सा दिन था, तो हम उसे निकालेंगे। इसके लिए हमें कुछ पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले देखते हैं हम कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन। उसके बाद इसके लिए हमें पूरी सप्ताह, महीने, कौन सा दिन होता है, लीप ईयर, ये हमें पूरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में टोटल दिन कितने होते हैं, एक साल में कितने दिन कितने होते हैं हमारे, 365 दिन। लेकिन चार साल में हमारा 366 दिन, 366 दिन आते हैं। तो जो हमारे 365 दिन होते हैं, एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारे क्या होता है, लीप ईयर, यानी कि किसी मंथ में, जैसे कि एक साल है उसमें महीने में कोई सा महीना 30 का होता है, कोई सा महीना 31 का होता है, और जो हमारा फरवरी होता है, फरवरी हमारा 28 और 29 का होता है। इसीलिए हमारा 4 साल में 366 दिन आते हैं जो कि हमारा लीप ईयर होता है, 366 दिन आते जो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लीप ईयर होता है। तब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप ईयर लीप वर्ष क्या होता है। हमारा साधारण वर्ष होता है जो कि 365 दिन का होता है, साधारण वर्ष क्या होता है हमारा, 365 दिन। और जब 4 साल में 366 दिन आते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर, वहां में लीप वर्ष होता है। उसमें टोटल साल भर में कितने दिन आते हैं, 366 दिन आते हैं, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। 365 दिन होता है जो हमारा साधारण वर्ष होता है और 366 दिन ये हमारा एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि 4 साल में कभी हमारा फरवरी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, इसीलिए 4 साल में वो काउंट होकर 366 दिन आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष यानी 365 में साल भर में हमारे वीक कितने आते और लीप ईयर में हमारे वर्ष कितने वीक आते, तो हमारे टोटल दिन क्या होते हैं साल भर में, 300
पैंसठ दिन आते हैं, तो हमें वीक पता करना है। तो एक सप्ताह में कितने दिन आते हैं? सात दिन, तो हम इसे सात से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? बावन वीक आएगा, बावन वीक आएगा। और एक हमारा आएगा रिमाइंडर बचेगा, एक हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर। ये हमारा कौन सा दिन है? सादा, ये हमारा है साधारण वर्ष। हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें बावन वीक होते हैं और एक हमारा रिमाइंडर बचता है। इसी टाइप से हम कभी देखेंगे लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने वीक होते हैं और रिमाइंडर कितना बचता है। तो हमारा बावन वीक होते इसमें भी और हमारे दो रिमाइंडर बचता है। दो रिमाइंडर, तो साधारण वर्ष में 365 दिन, बावन वीक और वन रिमाइंडर होता है। इसी में लीप वर्ष होता है जो उसमें की 366 दिन होता है, उसमें सात का डिवाइड करेंगे तो बावन वीक निकलते हैं और दो रिमाइंडर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोड आता है जो कि मंथ कोड याद करना पड़ेगा और संडे। फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो हमें हमारा लीप सेंचुरी ईयर में क्या रहता है? हमें दिया जाता है, जिसे दिया जाए हमें 2000, या हमें दे दिया 2000, 1900, 1800 और 1600। तो इसमें हम लीप सेंचुरी ईयर कैसे पहचानेंगे कि हमारा इसमें से कौन सा ईयर लीप सेंचुरी ईयर है और कौन सा साधारण ईयर है? लीप सेंचुरी ईयर यानी कि साल। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जिस ईयर में 400 से भाग देंगे और वो चला जाता है तो हमारा लीप सेंचुरी ईयर होता है, और जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है यानी उसमें बचता है वो हमारा क्या होता है? साधारण ईयर। तो इसमें 2000 में जब हम 400 से यानी 400 से हम जब क्या करेंगे? भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 1900 में देंगे तो 1900 में नहीं जाएगा, और 1800 में देंगे तो 1800 में भी नहीं जाएगा, 1600 में भी चला जाएगा। तो जो हमारा 2000 और 1600 ये हमारा कौन सा है? लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर है। और जो 1900 और 1800 हमारा है कौन सा हमारा है? साधारण वर्ष, ये हमारा साधारण वर्ष। जब क्वेश्चन में हमें दिया, क्वेश्चन में यदि जनवरी एंड फरवरी, जनवरी एंड फरवरी का मंथ दिया जाए तो जब हमारा जो रिमाइंडर आता है जो हमारे क्वेश्चन में बचता है उसमें से वन हमें माइनस करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे उसमें से वन माइनस करना है। यदि कोई सी भी डेट दीजिए हमें कि 1 जनवरी, तो वो हमारा कौन सा होता है? लीप ईयर मान लो, तो उसमें से हमें वन माइनस करना है। अब हम देखेंगे कुछ फार्मूले और फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है हमारा लास्ट टू एंड थ्री डिजिट प्लस ईयर अपॉन में क्या आएगा? 4 प्लस मंथ कोड प्लस हमारी आएगी डेट अपॉन में क्या आएगा हमारा? 7। तो हमें कोई भी डेट दी जाए यानी फर्स्ट देखें कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन आएगा। हमने लिखा ये कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन है, ये हमें पता करना है। हमारा क्वेश्चन ये कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन आएगा, तो इसे फॉर्मूले में हम पहले से फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट यानी थ्री डिजिट
कि हमें 2 डिजिट कौन से लिखना है या 3 डिजिट क्या होता है। तो जब भी जब क्वेश्चन में 2000 से ऊपर का जो ईयर दिया जाए, यानी 2000 से 2012 दिया जाए, तो उसमें हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लिखना है। जब भी 2000 से ऊपर का ईयर दिया जाए उसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट लिखना है, और जब 2000 से नीचे यानी हमें दे दिया 1996 तो हमें लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 96 लिखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि 2000 से कम है। जब हमें 2000 से ज्यादा यानी 2000 दिया जाए तो उसमें हमें लिखना है 3 डिजिट। 2000 दे दिया था हम इसमें लिखेंगे 3 डिजिट यानी लिखेंगे 100, और हम 12 दे दिया जाए, 2012 दे दिया तो इसमें हम क्या लिखेंगे 112 करके यहाँ पे सिर्फ फाइंड करेंगे। फिर दे दिया ईयर, तो हम ईयर क्या लिखेंगे कि जब भी हमें हमने ये निकाल लिया कि लास्ट के 3 डिजिट, इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। इसी टाइप से इसमें भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा हमारा वो यहाँ पे हमें लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे मंथ कोड, तो मंथ कोड में क्या राइट करेंगे कि ये हमारा मंथ कोड है, तो हम देखते हैं कि किस टाइप से इसे याद करें। 0, 33, 614, 625, 600, sorry, 0, 33 क्या है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। और जब लास्ट हमारा रिमाइंडर बचेगा तो वो जो आएगा उसे हम पता करेंगे कौन सा दिन है। उसके लिए हमारे ये वीक कोड है, यानी क्या है, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ये हमारे मंथ कोड है, हमारा होता है वीक कोड। ओके फ्रेंड्स, हम उसको क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हमने देखा था कि फॉर्मूला में फाइंड करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो दिया है कि लास्ट 2 या 3 डिजिट। तो इसमें देखेंगे कि लास्ट हमें कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे कौन से डिजिट लिखना है। तो हमने देखा था कि जब 2000 से ऊपर का मंथ दिया है यानी ऊपर के ईयर दिए तो हमें 3 डिजिट लिखना है, और जब 2000 से कम दिए तो हमें 2 डिजिट लिखना है। तो यहाँ हमें देखेंगे कि 1908 दिया है तो हम क्या लिखेंगे मंथ कोड में, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे लास्ट 2-3 डिजिट में, यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट, ये हमारे 2 डिजिट हम लिखेंगे। तो लिखा हमने 08 प्लस, फिर दिया है हमें ईयर अपॉन 4। तो देखें कि जो ईयर दिया है उसमें 4 से डिवाइड कितने टाइम हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 कितने टाइम आ रहे हैं, 2 टाइम। प्लस मंथ कोड, तो हमारे यहाँ मंथ कोड है, कौन सा महीना दिया है हमें, मई, तो मंथ कोड क्या हमारा मई। प्लस 1 प्लस डेट, हमें डेट दिए 14, डेट दिए 14 अपॉन में क्या है 7, सब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 14 और 1 15, 15 और 2 16, 17, 17 और 8 कितने हुए हमारा 25 अपॉन में क्या है 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 21 डिवाइड करेंगे 21 आए, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बच रहा है, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 4। तो जो हमारा 4 है तो इसे हम देखेंगे वीक कोड में, तो हमें पता चल जाएगा था हमारा कौन सा दिन है। तो 4 कौन सा दिन आ रहा है, संडे को 0 है, मंडे को 1 है, ट्यूसडे को 2 है, वेडनेसडे को 3 है, थर्सडे को 4 है। तो हमें पता चल गया कि 1908 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, थर्सडे दिन था, पता चल गया थर्सडे। इस टाइप से हम एक लीप ईयर लेते हैं, लीप ईयर वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है 20-1-1904 यानी कि 20 जनवरी 1904। इसमें भी हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट लिखना है, हमने लास्ट के 2 डिजिट लिखे 04 प्लस 04, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, यानी ईयर दिया है हमें तो 4 से डिवाइड करें कितने टाइम रह गए, 1 टाइम जाएगा। प्लस
जनवरी कौन सा मंथ कोड दिया है? जनवरी, जनवरी का कोड क्या है? जीरो, हमने क्या लिखा? जीरो। प्लस डेट हमें क्या दी है? डेट दी हमें बीस, अपॉन में क्या करेंगे? छह। अभी में प्लस करेंगे फोर वन फाइव, फाइव और ट्वेंटी कितने हुए? ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव हुए, इसे सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? फोर। तो ये हमारा लीप ईयर, क्योंकि ये फरवरी का जनवरी का मंथ होता है, जनवरी और फरवरी का जब ये मंथ होता है तो उसमें हमने देखा था कि वन उसे जो रिमाइंडर आता है उसे उसमें से वन माइनस करेंगे, तो हमारा फोर है, इसमें से हम वन माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? थ्री। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस करने पे जो आएगा उसे हम देखेंगे कि वीक में कौन सा कोड है, यानी कौन सा दिन आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है? वेडनेसडे। तो ये हमारा तीन तारीख यानी कि 20/1/1904 कौन सा दिन आ रहा है? हमारा वेडनेसडे दिन है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, यदि दे दिया हमें कि 22 फरवरी 1926 दे दिया, 22 फरवरी 1926 इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता चल गया कि जब 2000 से कम ईयर दिया जाए तो उसमें हमें लास्ट के टू डिजिट राइट करना है, तो हम लिखेंगे 26 प्लस 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है, फिर लिखा हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा, फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा उसे हम यहाँ लिखेंगे, फिर मंथ कोड दिया हमें, कौन सा महीना दिया? फरवरी, मंथ कोड दिया हमारा 3, प्लस डेट दी हमें 5 अपॉन 7, तो टोटल कितना है हमारा? 26 6 3 और हमारा कितना आया? 57 57 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1। तो 1 हमारा क्या है? मंडे, यानी हमारा कौन सा मंथ आया? मंडे। अब हम सेंचुरी ईयर वाला क्वेश्चन लेते हैं, हमें दे दिया क्वेश्चन में 20 फरवरी 2000 में दे दिया, 20 फरवरी 2000 तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जब 2000 से कम हो तो हमें टू लास्ट की टू डिजिट लिखना है, लास्ट की टू डिजिट ये, और यदि 2000 या फिर 2000 से ऊपर दिया है तो हमें क्या लिखना है? लास्ट की थ्री डिजिट। तो यहाँ अपन क्या करेंगे हम कि 100 लिखेंगे, लास्ट की थ्री डिजिट प्लस प्लस करा हमने, लिखेंगे हम मंथ कोड यानी कि जब 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये? 24 25 सॉरी। प्लस मंथ कोड क्या दिया है हमें? मंथ कोड दिया है फरवरी, यानी दिया है हमें मंथ कोड है उसका 3। प्लस डेट दी है हमें 20 दे दी, फिर से हम प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस करने पे हमारा ये आएगा 148, उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये 7 से डिवाइड करने पर 1, 7 से डिवाइड करने पर हमारा है 1। तब 1 हमारा 1 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि हमारा सेंचुरी ईयर है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। तो 0 हमारा कौन सा डे है? यानी कि संडे। तो उस दिन हमारा कौन सा देना आ रहा है? संडे, यानी कि 20 फरवरी 2000 को संडे देना आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसे उसके सॉल्व कर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।